नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय क्षेत्र कर लेते खबरों का, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में विभिन्न मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच बहस जारी है और बुधवार को बीजेपी विधायकों ने सरकार को चुनावी घोषणा पत्र के घेरा। तो वहीं मितानिनों की प्रोत्साहन राशि और नर्सों की भर्ती पर सवाल, खूब हंगामा हुआ और नाराज बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रश्नकाल शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से सात जन घोषणा पत्र में मितानिनों के संबंध में क्या घोषणाएं की गई थी, उसमें से भी कितनी पूरी हुई। स्वास्थ्य मंत्री के अनुपस्थित में जवाब दे रहे वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि मितानिनों को कमीशन के अतिरिक्त 5,000 रुपये महीना मानदेय की घोषणा थी। वहीं 5,000 नए मितानिनों की भर्ती की जाने की बात थी और सरकार की ओर से मानदेय के संबंध में कोई बात नहीं आई, जबकि नई भर्ती के संबंध में बताया गया कि 1,362 मितानिनों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें से 1,199 की भर्ती की गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल के जो बयान आए हैं, चुनाव में तो आज जाते नहीं है, मेहनत तो करनी नहीं है और बयानबाजी करनी है, ये कांग्रेस को कमजोर करने वाली बात है, मैं इसकी निंदा करता हूं। जहां तक सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी की बात है तो तुरंत CWC की बैठक की और इसके अलावा सीएम ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनवाते हैं। देखिए, लगातार अभी कपिल सिब्बल जो बयान आए हैं, चुनाव में कभी जाते नहीं, मेहनत तो करना नहीं है, पसीना बहाना नहीं है और उसके बाद केवल बयानबाजी करना, तो ये कांग्रेस को कमज़ोर करने वाली बात है। जहाँ तक के सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी की बात है, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तत्काल CWC की मीटिंग उन्होंने आहूत की और अपने विचार भी उन्होंने रखे, लेकिन जितने CWC के मेंबर हैं वो सब लोगों ने एक स्वर से कहा है कि चूँकि चुनाव घोषित हो चुका है, कार्यक्रम हो गया 31 मार्च तक के मेंबरशिप करना, उसके बाद बूथ के, ब्लॉक के, जिले के, प्रदेश के चुनाव होने हैं और वो कार्यक्रम भी घोषित हो गया है, तो इस शेड्यूल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए और सोनिया जी के ऊपर पूरा विश्वास व्यक्त किए हैं। हम सब सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के साथ हैं। जो लोग इस प्रकार के बयान दे रहे हैं वो कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए कर रहे हैं, तो बेहद दुर्भाग्यजनक बात है कि चुनाव के समय बिल्कुल मौन, एक बयान उनका नहीं आता और चुनाव जैसे समाप्त होता है तो तुरंत वो बयानबाजी शुरू कर देते हैं, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। देखिए, ये तो कुछ कर नहीं पाए, इतने साल तक के शहर के मंत्री रहे और 6-6, 7-7 बार मंत्री यहाँ से मतलब विधायक चुन के गए, लेकिन शहर के विकास के लिए कुछ भी इन लोगों से सूझा नहीं। गोल बाजार हमारा गौरव है, सबसे पुराना बाजार गोल बाजार है, लेकिन इतने भीड़ वहाँ बढ़ गई है तो वहाँ जो व्यापारी है उनको भी परेशानी हो रही है, जो खरीददार है उनको भी परेशानी हो रही है, उसको सुव्यवस्थित करने की बात है। वहाँ के व्यापारी मुझसे मिलने आए थे और सब बात उन्होंने कही और इसलिए राज्य सरकार ने नगर निगम को दिया, अब वो कहते हैं उसको भी दो, तो ये तो कुछ कर नहीं पाए, दूसरा जो करने वाले उस पर अड़ंगा डालने का काम, तो इनका काम तो रोड़ा ही अटकाना ही है। कैमरा लेकर आइएगा, पिक्चर भी देखेंगे आज साथ में, उसके बाद रिएक्शन मिलेंगे, हाँ उसमें देखेंगे ये घटना कैसे घटी, किसके कार्यकाल में घटी, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और क्या कर रहे हैं, देखने के बाद ही करेंगे। देखिए, बनाने पिक्चर बनाने वाले बहुत डायरेक्टर हैं, वो कब क्या बनाएंगे उसको तो हम लोग कह नहीं सकते, लेकिन जो बनी है अच्छी है, बुरी है, इसमें और सुधार होना चाहिए था, ये चीज़ और दिखाई जानी चाहिए थी, तो वो तो देखने के बाद ही बता पाए, नहीं तो वो तो बिल्कुल ठीक है, वो खुद देखे होंगे इसका सब आधार पे। अब क्योंकि प्रधानमंत्री भी उसकी बड़ी तारीफ कर दिए हैं और उसमें इंटरेस्ट दिखाए हैं, तो हम लोग भी जाके देखें, देखने के बाद निश्चित रूप से रिएक्शन देंगे, तो आप अपना कैमरा लेकर आइए। तो है फूलों से बने हर्बल गुलाल से होली खेलने, सबने होली खेली होगी लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बार गोबर से बने गुलाल से होली रंगीन होगी। देश भर में गोबर से गुलाल बनाने की
अभिनव प्रयोग पहली बार किया गया है। प्रदेश के दूरस्थ दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले के साईं बाबा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने मार्गदर्शन में गोबर से गुलाल तैयार कर लिया है और इसके लिए महिलाओं ने फल सब्जियों से गुलाल तैयार किया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा गोधन के माध्यम से आर्थिक समृद्धि को तैयार की गई राह से प्रेरित होकर महिलाओं ने गोबर से हर्बल गुलाल तैयार किया है, जिसे गौमय हर्बल गुलाल नाम दिया गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान के सिंगल क्लिक पर सवाल उठाते हुए ट्वीट कर लिखा कि ये कैसा सिंगल क्लिक है कि एक महीने बीत जाने के बाद भी किसानों के खातों में राशि नहीं पहुंची। साथ ही उन्होंने लिखा कि सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों को बीमा राशि आवंटित करने पर कमलनाथ ने लिखा कि शिवराज जी ने तो अपनी घोषणा की सिंगल क्लिक का मतलब भी बदल दिया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दिए गए निर्देश अनुसार कांकेर जिले में आज 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना टीकाकरण शुरू हो गया है और इसके लिए शासकीय कोमल देव जिला चिकित्सालय कांकेर में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जिसमें हर आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना का टीकाकरण किया गया है। और टीकाकरण से पहले दिन आज शासकीय माध्यमिक विद्यालय राजापारा कांकेर के 20 बच्चों का टीकाकरण किया गया है। इस दौरान यूनिसेफ जिला समन्वयक रेहाना तबस्सुम समेत मेडिकल अधीक्षक रवि सोनी भी उपस्थित थे। तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में राजस्व आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2,639 करोड़ रुपए का अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित किया गया है। तो वहीं राजस्व मंत्री अग्रवाल ने विधानसभा में प्रस्तुत अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कहा कि जिन तहसीलों का प्रस्ताव आया है उस पर परीक्षण कर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को चाहे उसके पास भूमि हो या ना हो राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों के अभिलेखों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आम जनता की आवश्यकता को देखते हुए उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से विभागीय प्रतिक्रियाओं नियमों और विभाग द्वारा प्रकाशित अधिनियमों में लगातार सुधार के उन्नयन करने के साथ नवीन तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे एक सुव्यवस्थित राजस्व प्रशासन प्रदेश की जनता को उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए 2022-23 के बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। तो है मध्य प्रदेश में ईओडब्ल्यू जबलपुर की तरफ से मेडिकल यूनिवर्सिटी डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त डॉक्टर तृप्ति गुप्ता और उनके पति के निवास पर छापेमार कार्रवाई की गई है। तृप्ति मेडिकल यूनिवर्सिटी की परीक्षा नियंत्रक रह चुकी हैं और जहां अगस्त 2021 महीने में बड़ा मार्कशीट घोटाला सामने आया था, आज सुबह ईडब्ल्यूयू की जबलपुर इकाई के एसपी देवेंद्र सिंह राजपूत के निर्देश पर मेडिकल यूनिवर्सिटी डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त प्रभारी नियंत्रक रही तृप्ति गुप्ता और उनके पति बायोकेमिस्ट्री विभाग के विभागाध्यक्ष अशोक साहू के निवास पर छापा मारा गया। और दरअसल एसपी ईओडब्ल्यू देवेंद्र सिंह राजपूत की दंपति के खिलाफ काफ़ी शिकायतें मिली थीं, जिसमें से दोनों के द्वारा कुल अर्जित संपत्ति के बाद भी 72% अधिक और संपत्ति अर्जित कर ना पाया गया था। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसका सत्यापन प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर के द्वारा कराया गया। सत्यापन में ये पाया गया कि मेडिकल कॉलेज जबलपुर में पदस्थ प्राध्यापक डॉक्टर तृप्ति गुप्ता और श्री अशोक साहू जी जो हैं, इनका जो आकलन हुआ है चेक पीरियड में जो इनके द्वारा आय अर्जित की गई है वैध स्रोतों से, वो लगभग 3,15,00,000 रुपए का है। इसमें जो डिडक्शंस होते हैं वो भी शामिल हैं, जो विवेचना में जानकारी प्राप्त करके पृथक किए जाएंगे। इसी चेक पीरियड में इन दोनों के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई हैं और जो व्यय किए गए हैं वो कुल मिलाकर के 5,44,00,000 रुपए के लगभग होते हैं। तो प्रारंभिक आकलन में ये पाया गया कि जो आय के वैध स्रोत हैं इससे लगभग 72% अधिक इनके द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है और व्यय किया गया है। इसके आधार पर एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, प्रकरण की विवेचना की जा रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के लोकायुक्त और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की लगातार कार्रवाई के बावजूद भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को जरा भी इसका डर नहीं है। आपको बता दें कि मंडला के ग्राम पंचायत ग्वारा में फरियादी अरविंद जंघेला की सूचना पर कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त की टीम ने भ्रष्टाचार रोजगार सहायक मानिकलाल
जंगेला को रिश्वत की प्रथम किस्त 20,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मैं ये 7 फीट का काम किया रामलाल लाहौर को है, फिर जिसकी राशि 1,18,000 रुपये है। तो मैं नौ सेट बनाया रहा, मतलब मटेरियल डाला हूँ 9 सेट में, तो उसका पेमेंट भुगतान बाकी था और उसके लिए 50,000 की डिमांड थी। 5,000 में अभी पहले दिया था, 20,000 आज दिया हूँ, 25 बाकी थी। दिनांक 9 मार्च को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त संभाग जबलपुर को आवेदक अरविंद जंगेला द्वारा शिकायत की गई थी कि पंचायत के निर्माण कार्य में मटेरियल सप्लाई के बदले में, उसके बिलों के भुगतान के बदले में आरोपी रोजगार सहायक मानिक लाल जंगेला के द्वारा 50,000 रुपये की रिश्वत की जा रही है। तो आज लोकायुक्त की टीम पूर्ण पुष्टि होने के बाद तो है मध्य प्रदेश के जबलपुर से खबर सामने आई, जहां पर एक स्कूल में महात्मा गांधी के संबंधित वस्तुओं पर आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो वहीं प्रदर्शनी आयोजनकर्ता रोहित खन्ना ने कहा कि इस प्रदर्शनी से बच्चों को गांधी जी के बारे में जानकारी मिलेगी। ये कलेक्शन पूरे भारत से इकट्ठा किया गया है। ये 100वीं प्रदर्शनी है जिसमें बच्चों को गांधी जी के मूल्यों पर बारे में जानकारी दी जा रही है। तो वहीं उन्होंने कहा कि यह आज के दौर में बेहद जरूरी है, है क्योंकि बच्चों में गांधी जी के टीचिंग्स और उनके वैल्यूज़ के बारे में जानकारी दे, जो आज तक बहुत वैल्यूबल है। देखिए, रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, ये एक और संदेश है कि ये युद्ध ख़त्म होना चाहिए, और गांधी जी का जो संदेश है कि पीस होना चाहिए और एक भाईचारा होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये युद्ध ख़त्म हो, क्योंकि औरतें और बच्चों को बहुत अत्याचार हो रहा है। ये मैंने कलेक्शन ऑल ओवर इंडिया से किया है, और मेरा उद्देश्य ये है कि मैंने बहुत सारे एग्जीबिशन लगा लिया है। ये मेरा 100वां एग्जीबिशन है, तो मैं और 1,000 बच्चे जो विदेश से आए थे, 52 कंट्रीज से, उनको भी मैं दिखा चुका हूँ ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन में। मगर मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चे हमारे राष्ट्रपिता के बारे में जानें, उनके वैल्यूज़ जानें, जो आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता हो गया, जैसे स्वराज हो गया, आपका दूसरे चीज़ें हो गए, पीस एंड ब्रदरहुड, उस तरह की उनकी टीच। सर, हम लोग गांधी जी के बारे में, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने हमें इतनी मेहनत करके ब्रिटिशर से छुटकारा दिलवाया है, हमें स्वतंत्र करवाया है, उनके बारे में सीख रहे हैं, जान रहे हैं कि वो कैसे थे, उन्होंने क्या तरीके अपनाए, किस प्रकार से हमें स्वतंत्रता दिलवाई है, किस प्रकार अपन को वॉयलेंस ना कर प्यार से भी खुद को जीता जा सकता है। हम ऐसी चीज़ें देखने मिल रही हैं जो हमने कभी नहीं देखी आज तक, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि रोहित खन्ना सर जो हैं, उन्होंने हमारे स्कूल को ये सारी चीज़ें डोनेट की। ये हमारे स्कूल के साथ हमेशा रहने वाली हैं, और आने वाली जितने भी क्लासेज हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, लाखों लोग इन सब चीज़ों को देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। तो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश अनुसार कस्टम मिलिंग के लिए धान की तेजी से उठाव जारी है, और उसी को लेकर आपको बता दें कि राज्य में 15 मार्च तक 94.47 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। छत्तीसगढ़ की तरफ से केंद्रीय पूल में चावल जमा करने के मामले में भी तेजी से काम किया जा रहा है। अब तक केंद्रीय पूल में 29.78 लाख मीट्रिक टन चावल जमा कराया जा चुका है। इसमें भारतीय खाद्य निगम के 16.06 लाख मीट्रिक टन और नागरिक आपूर्ति निगम के 13.72 लाख मीट्रिक टन चावल शामिल है। खाद्य सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री की पहल पर इस वर्ष धान खरीद के साथ ही कस्टम मिलिंग के लिए धान के तेजी से उठाव किया जा रहा है। अब तक डीओ और टीओ के माध्यम से 94.47 लाख मीट्रिक टन धान का रिकॉर्ड उठाव हो चुका है। तो है मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव 2022 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने नया निर्देश जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक अब पंचायत चुनाव के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव अप्रैल महीने के बाद आयोजित किए जाएंगे, और साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नए परिसीमन के आधार पर वोटर लिस्ट तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके लिए प्रक्रिया 16 मार्च को शुरू हो चुकी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कोरिया के पूर्व माध्यमिक शाला बोडार में औचक निरीक्षण कर कलेक्ट्रेट कुलदीप शर्मा और जिला पंचायत सीईओ कुणाल दुदावत ने स्कूल में मिड डे मील की गुणवत्ता जांची, और कलेक्टर और सीआईओ ने स्कूली बच्चों के साथ बैठकर मध्याह्न भोजन का लुत्फ उठाया। भोजन में मेन्यू के हिसाब से बच्चों को
चना, आलू, अरहर, अचार, दाल, चावल दिया गया था। कलेक्टर को अपने बीच पाकर बच्चे खुश हुए और उन्होंने बच्चों से नियमित मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता के बारे में सवाल भी किए। बालिकाओं से जिले में चलाए जा रहे एनीमिया मुक्त कोरिया अभियान के तहत जांच और एनीमिया के दुष्प्रभाव पर बात की। छात्रा प्रीति ने बताया कि जांच के दौरान उनका हीमोग्लोबिन कम पाया गया और इसे सुधारने में स्वास्थ्य विभाग की जाँच टीम की तरफ से दी गई दवाइयों की भी जानकारी दी। कलेक्टर शर्मा बच्चियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता देख बेहद प्रभावित हुए। फिलहाल यहां वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते कुछ बड़ी खबरों के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की, जहां पर मंदसौर जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे बाल विवाह रोको अभियान के अंतर्गत आज मंदसौर जिले के ग्राम हरनावदा में राजस्व विभाग और पुलिस विभाग द्वारा कैंप आयोजित किया गया, जिसमें SDM गरोठ रविंद्र सिंह परमात और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोठ महेंद्र तारनेकर के नेतृत्व में ग्राम हरनावदा के ग्राम वासियों के साथ बैठक ली गई, जिसमें समस्त ग्रामवासियों को समझाया गया और अपनी बेटे और अपनी बेटियों को खूब पढ़ाएं और 18 वर्ष से कम उम्र में इनकी शादी ना करें, इसको लेकर नसीहत दी गई। वहीं विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हरनावदा गांव की 4 लड़कियों को प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले तहसील भानपुरा के ग्राम हरनावदा में 4 लड़कियां बिना बताए घरवालों से नाराज होकर भोपाल चली गई थी। लड़कियों को अपने परिवार वालों से नाराजगी थी कि उनकी शादी कम उम्र में करा दी गई है और उन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। वहीं इस शिकायत को लेकर लड़कियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने भोपाल घर से बगैर बताए चली गई थी, जहां पुलिस विभाग द्वारा लड़कियों को समझाकर वापस उनके घर परिजनों को सौंपा गया और परिवार वालों को समझाया गया कि बेटियों को और पढ़ने दें और कम उम्र में शादी ना करें। बेसिकली ग्राम पंचायत जो हरनावदा है वो सिंधिया बाहुल्य क्षेत्र है और वहाँ कुछ कुरूतियाँ हैं, जिसको लेकर आज एडिशनल SP साहब और SDM साहब और राजस्व पुलिस की टीम द्वारा एक छोटा सा कैंप रखा गया, जिसमें बाल विवाह और लड़कियों की शिक्षा को लेकर उन लोगों को जागरूक किया गया। इसमें मुख्य रूप से जो 4 बालिकाएं हैं उन्होंने इन कुरूतियों को तोड़ने के लिए बहुत अच्छी पहल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक आवेदन देने के लिए शुरुआत की थी। इसी को लेकर एडिशनल SP साहब, SDM साहब और हमारे द्वारा उनको एक पुरस्कार दिया गया। आज सर जब बच्चों से आपकी बात हुई तो क्या कुछ कहा? बच्चियाँ इसको लेकर उत्साहित थी और उनके द्वारा सभी के लिए ये संदेश दिया गया कि बच्चियों को पढ़ाया जाए और उनका बाल विवाह न किया जाए। सर बाल विवाह को लेकर किन बातों के लिए ग्रामीणों से? आज जो एक शिविर आयोजित किया गया इसमें ग्रामीणों से चर्चा की गई। मध्यप्रदेश के मंदौर से आई, जहाँ पर आपको बता दें 4 बच्चियों को सम्मानित भी किया गया है। उन्होंने वो घर से भागकर CM शिवराज सिंह चौहान से मिलने गई थी और उन्होंने कम उम्र में शादी करने के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी और लगातार उन्होंने मांग की थी कि उनकी पढ़ाई अभी जारी रखी जाए और अभी की शादी नहीं की जाए। कम उम्र के चलते उन्होंने CM शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए ठाना था और उसी को लेकर आज उन्हें सम्मानित भी किया गया। चलिए रुक कर लेते खबरों की ओर, जहां पर आदिवासी संस्कृति के पर्व भगौरिया में लगातार छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं। अब झाबुआ जिले के मेघनगर में मनचलों ने शर्मनाक हरकत की है और कुछ लड़कों ने पहले तो युवतियों से छेड़छाड़ की और जब लड़कियों ने इस बात का विरोध किया तो भारी भीड़ में उनके साथ मारपीट कर दी। इस दौरान पीड़ित रोते नजर आई, हालांकि लड़कियों ने भी उनका मुकाबला किया और इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें 2 नाबालिग हैं। मारपीट की ये घटना 12 मार्च की है, जिस दिन मेघनगर में भगौरिया हाट था। यहाँ कुछ लड़कों ने छेड़खानी का विरोध करने पर लड़कियों की पिटाई कर दी और दोनों पक्षों के बीच मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। झाबुआ SP आशुतोष गुप्ता ने बताया कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। आरोपी कॉलेज के स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं, इनका कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है।
तो है मध्य प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ गया है। कई जिलों में रात के पारे में उछाल आया है। इंदौर सबसे हॉट यानी गर्म बना हुआ है। मंगलवार को रात का तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया और एक रात में एक डिग्री पारा बढ़ गया। तो वहीं आपको बता दें कि टीमगढ़, जबलपुर, सागर, दमोह और सीधी में 20 डिग्री के पार पारा रहा। राजधानी भोपाल में भी तापमान की बढ़ोतरी हुई और मौसम वैज्ञानिक की माने तो हवाओं में पश्चिम की ओर से चलने की वजह से मौसम लगातार गर्म हो रहा है। हालांकि अब फिर से हवाओं की दिशाएं उत्तर पूर्वी होने की संभावना है। ऐसे में कुछ दिनों तक गर्मी की हल्की राहत मिलेगी और मंडला और रीवा और कुछोड़ दें तो बाकी सभी इलाकों में रात का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के पार चल रहा है और इंदौर के टीमकगढ़ में पारा 21 डिग्री के पार है। तो है मध्यप्रदेश के बालाघाट में बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि मोहगांव के पास ट्रक ने स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मार दी, जिस पर सड़क दुर्घटना में फिलहाल 9 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।